साधारण आमदनी वाले लोगों के सपने भी बड़े होते हैं। पैसा कमाने में मेहनत लगती है, सपने देखने में नहीं। अगर बात किसी आम नौजवान की करें तो उसका एक कॉमन सपना होता है कि एक सुपर बाइक खरीदे। सुपर बाइक हमें वो एहसास देती है जिसकी तलाश हमें बरसों से होती है। लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन वो सुपर बाइक कभी खरीद नहीं पाते। खैर, मैं आपको सुपर बाइक खरीदने का कोई शॉर्टकट तो नहीं बताने वाला, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सुपर बाइक्स के बारे में बताऊंगा जिसके खासियत जानकर शायद आपके सुपर बाइक खरीदने के सपने को पाने की आपकी कोशिश दुगनी हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम जानते हैं दुनिया की सबसे शानदार सुपर बाइक्स के बारे में। लेट्स बिगिन। यामाहा मोटरॉइड। साईफाई फिल्मों में अक्सर हमें ऐसी मोटर बाइक्स दिखाई जाती है जो सच में कमाल की होती है। फिल्मों में देखकर हम भी ऐसे सुपर बाइक्स के दीवाने हो जाते हैं। जब बात सच्चाई की आती है तो शायद ही कोई बाइक फिल्मों के सुपर बाइक से कम्पीट कर सकती हो। यामा मोटरॉइड एक ऐसी ही बाइक है जो सच में किसी भी सुपर बाइक को टक्कर दे सकती है। यामा मोटरॉइड ये अपने आप ही चल सकती है और ये अपने आप ही खुद का बैलेंस संभाल सकती है। बेहद कम गति पर भी ये बाइक खुद का संतुलन अच्छे से संभाल पाती है। इस बाइक को डिजाइन करते वक्त साइकोलॉजिस्ट की मदद ली गई थी ताकि ये ह्यूमन इमोशंस को समझकर उनके इशारे को समझे और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। इसके लिए इस बाइक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अपने आप चलती बाइक को आप अपने हाथों से रुकने का इशारा करते हो तो ये बिल्कुल रुक जाएगी, और अगर आप इसे वापस जाने का इशारा करते हो तो ये उल्टी दिशा में चलने लगेगी। आपके हैंड गेस्चर के अनुसार बाइक अपने अगले और पिछले चक्के को मोड़ के खुद को बुरी से बुरी सिचुएशन में भी संभाल सकती है। इस वजह से इस बाइक से एक्सीडेंट होने की संभावना बेहद ही कम हो जाती है। अगर आप बाइक चला के थक चुके हैं और अब आप थोड़ा चलना चाहते हैं तो इस बाइक को छोड़ आप चलते चले जा सकते हैं। ये बाइक अपने आप आपका पीछा करते चली आएगी। भाई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फीचर्स अभी तक किसी दूसरे बाइक में देखे गए हैं। इस बाइक के पिछले चक्के से कुछ विंग्स जुड़े होते हैं। अगर राइडर तेज स्पीड से कोई मोड़ ले रहा है तो उस वक्त ये विंग्स हवा के टकराव की वजह से बाइक की गति कुछ हद तक कम कर देते हैं और राइडर पूरी तरह से सेफ रहता है। यामाहा निकेन। यामाहा निकेन ये सुपर बाइक 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके थ्री व्हील्स। जी हाँ, ये थ्री व्हीलर बाइक है। आगे लगे दो पहिए मोड़ पे संतुलन बनाए रखने के लिए गजब की मदद प्रदान करते हैं। 45 डिग्री में बाइक को तिरछा करने पर भी ये बाइक आसानी से संतुलन बना पाती है। जो भी इंसान इस बाइक को पहली बार चलाएगा जरूर उसके लिए बाइक एक शानदार अनुभव देगी। इस बाइक में आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जैसे कि क्रस कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्ट सिस्टम, ड्राइविंग मोड, स्विचिंग फंक्शन और 4.8 गैलन का फ्यूल टैंक। इस बाइक में 3 सिलेंडर इंजन लगे हुए हैं जो वाटर कूलिंग सिस्टम पे काम करते हैं। इस बाइक के ये 850 सीसी 3 सिलेंडर 115 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करते हैं। इसी वजह से 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पाने के लिए महज 4 सेकंड्स का समय लेती है। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम कमाल का है। इसका शानदार सस्पेंशन इस बाइक को गड्ढों से भरे रास्तों पर भी दौड़ाने के लिए मदद करता है। अगर आप इस बाइक को अपने पास देखना चाहते हैं तो आपको 12 लाख रुपयों से ज्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं। होंडा राइडिंग असिस्ट। होंडा कंपनी सालों से ग्राहकों को रिझाने के लिए काफी नए और अलग अलग बाइक के कॉन्सेप्ट लेकर लोगों के सामने आती रही है। होंडा राइडिंग असिस्ट भी एक ऐसा ही फीचर है जो सबसे यूनिक है। जैसे कि नाम से पता चल गया होगा कि ये सिस्टम राइडर को बाइक चलाने में असिस्ट यानी कि मदद करता है। AI टेक्नोलॉजी से बनी ये बाइक खुद ब खुद संतुलन बनाने में और खुद ब खुद चलने में माहिर है। बाइक अपने आप खड़ी रहे, गिरे नहीं, इसलिए इसका हैंडल अपने आप मूव होता रहता है और संतुलन बनाए रखता है। इस पर कोई राइडर बैठा हो तब भी ये काम करता रहता है। ये फीचर सबसे ज्यादा तब काम आता है जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, और तो और इसे बस एक इशारा करने पर ये बाइक अपने आप ही चलने लगती है। जहां जहां राइडर जाता है ये बाइक उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब आपको धकेलते हुए बाइक को गैरेज में ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। BMW मोटरराइड विजन नेक्स्ट 100। BMW मोटरराइड विजन नेक्स्ट 100 ये एक ऐसी बाइक है जिसे हर कोई देखते ही देखते रहना चाहेगा। इसका लुक ही सबसे बड़ी खासियत है इसकी। BMW ने बनाई ये बाइक BMW के 100 साल पूरे होने पर ग्राहकों को दिया एक बहुत बढ़िया तोहफा है। ये एक ऐसी बाइक है जिसमें सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम मौजूद है।
इसलिए बाइक चलते हुए हो या फिर रुकी हुई हो, खुद को अपने आप ही स्टैंडिंग पोजीशन में रख पाती है। इस बाइक के साथ आपको ग्लासेस भी दिए जाते हैं जिसका नाम द विजर है। ये ग्लासेस और बाइक आपस में जुड़े रहते हैं। ये ग्लास आसपास की जगह से इम्पोर्टेंट डेटा जमा करते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो ऐसी इन्फॉर्मेशन राइडर को प्रोवाइड करवाते हैं। इस ग्लास के जरिए मिली इन्फॉर्मेशन के सहारे ये बाइक राइडर के ड्राइविंग स्टाइल को मेल खाता हुआ बदलाव खुद में कर लेती है और राइडर को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखती है। इस बाइक में मूव मैटर ब्लैक फ्लक्स फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। जब ये बाइक तेज रफ्तार में चल रही होती है और इसी रफ्तार से अगर बाइक को टर्न पे मोड़ा जा रहा है तो उस वक्त ये काफी मददगार साबित होता है। न्यूट्रॉन बाइक। न्यूट्रॉन बाइक 2019 में ही लॉन्च हो चुकी है। इसका शानदार लुक देखने के बाद भी इसे कोई पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान देखते ही इसके प्यार में पड़ जाएगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन लाजवाब है। न्यूट्रॉन बाइक पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलती बल्कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसे चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए इस बाइक में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। एक बार की चार्ज करने के बाद ये बाइक 120 किलोमीटर तक दौड़ लेती है। इस बाइक की जो बात आपको नागवार लगेगी वो ये कि इस बाइक पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप इस बाइक पर आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश धरी की धरी रह जाएगी। इस बाइक का गैस वर्जन $55,000 में मार्केट में मिल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। कावासाकी जे। कावासाकी जे भी एक ऐसी बाइक है जिसमें 3 व्हील्स हैं और ये भी एक इलेक्ट्रिक बाइक है। इसके आगे के 2 पहिए पे 2 अलग अलग हैंडल लगे हुए हैं। इस हैंडल की वजह से तेज गति पर इस बाइक का संतुलन बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। ये बाइक चलते हुए किसी ट्रॉन बाइक जैसे नजर आती है। रात में इस बाइक को चलाना किसी जादू से कम नहीं लगेगा। इसके फ्रंट व्हील्स राइडिंग पोजीशन को बदल सकते हैं। ये कभी भी सिकुड़कर आकार कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट मोड ऑन करते ही बाइक ऐसा आकार ले लेती है जो आपको तेज गति से बाइक चलाने की अनुमति देती है। इसके विपरीत कंफर्ट मोड पे ये बाइक थोड़ी लंबी हो जाती है और आप बाइक आराम से चला सकते हो। कावासाकी जे में हाई कैपेसिटी की निकेल मेटल हाई राइड बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो ज्यादा समय तक साथ देती है। लाजारेट LMV 496। ये बाइक चलती फिरती किसी बीस्ट की तरह नजर आती है। ये इतने महाकाय नजर आती है कि इसे चला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फ्रेंच ऑटोमोटिव कंपनी लाजारेट ने LMV 496 को डिजाइन किया है। ये एक 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो बैटरी पे चलती है। ये बाइक सिर्फ जमीन पर ही नहीं चलती बल्कि हवा में भी उड़ सकती है। फ्लाइट मोड ऑन करते ही इसके चारों पहिए हॉरिजॉन्टली फैलने लगते हैं। धीरे धीरे ये बाइक हवा में उड़ने लगती है। ये बाइक जमीन से महज 3 फीट ऊंचाई पर ही उड़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इस बाइक में 496,000 RPM के जेटकैट टर्बाइन का इंजन लगा होता है जो इसे अच्छी तरह से उड़ान भरने में काफी मदद करता है। ये बाइक उड़ने के लिए कैरोसिन का इस्तेमाल करती है। बाइक पे लगा डैशबोर्ड आपको पूरी जानकारी देता है जो एक बाइक उड़ाने वाले को होनी चाहिए। जमीन पे भी ये बाइक कमाल करती है। इसके 4 व्हील्स इसे अच्छी तरह से संतुलन बनाए रखने की आजादी देते हैं। फुल मून। फुल मून नामक ये बाइक आप देख रहे हो वो इस लिस्ट में शामिल करने के कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि इसे हाथों से बनाया गया है। कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि इसे हाथों से बनाया गया होगा। इस बाइक को एक्रोपोविक और सोल्वेनियन ड्रीम मशीन मोटरसाइकिल्स इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका आगे का पहिया एल्यूमिनियम और कार्बन से बना हुआ है जो 30 इंच इतना बड़ा है। इसी पहिये से इस बाइक का नाम फुल मून रखा गया है। इसमें 1524 cc इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक का बॉडी वर्क ज्यादातर सिर्फ शीट मेटल से बना हुआ है। इसमें कोई केबल नजर नहीं आएगी। इसका स्टीयरिंग भी पूरी तरह से अगले पहिए से जुड़ा हुआ है। जो भी लोग एक डिसेंट सुपर बाइक की चाह रखते हैं वो इसे खरीद सकते हैं। यामाहा टेजर एक्ट। यामाहा टेजर एक्ट ये एक हाइब्रिड क्वाड बाइक है जिसका इंजन काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बाइक में आपको 4 पहिए मिल जाएंगे। जब बात 2 पहियों की आती है तो बारिश के समय में ब्रेक लगाते ही बाइक स्लिप होकर गिरने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन टेजर एक्ट फिसलन भरे रास्तों पर अच्छा संतुलन बनाकर रख सकती है। इसका V-ट्विन 2-सिलेंडर इंजन गैसोलीन और बिजली दोनों से चलाया जा सकता है और ये बाइक किसी भी आम बाइक से काफी ज्यादा सुरक्षित है। इस बाइक को खड़ा करने के लिए किसी भी तरह का स्टैंड नहीं लगाना पड़ता, ये अपने आप ही एक जगह खड़ी हो जाती है। इसमें ड्यूअल स्किथ सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है जो इसे स्मूथली दौड़ाने के लिए मदद करता है।
ये दिखने में किसी आम बाइक से भारी लगे, लेकिन कोई भी राइडर इसे आसानी से चला सकता है।